इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी टर्म्स आएंगी? फोर। एक ही मल्टीप्लाई सबके साथ, बी की मल्टीप्लीकेशन सबके साथ, आराम से करना चाहिए। दोबारा बताते हैं बेटा, एंड को क्या रखें ताकि ये सर्कल अर्थमेटिक मीन नजर आए, यानी क्या नजर आए, ए प्लस बी बाई टू। एंड को क्या रखें ताकि ये सर्कल ए प्लस बी बाई टू नजर आए? तो क्रॉस मल्टीप्लाई, टू से इन दोनों को मल्टीप्लाई हो गया, इन दो को इन दो से मल्टीप्लाई, बताते हैं ठीक है। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करना था, एक ही मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, बेस सेम है तो पावर सेड होगी, एक ही मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ए बी एन माइनस वन, बी की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ ए एन माइनस वन बी, बी की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ बी एन। ए एन दो बार क्यों नजर आ रहा है, इकट्ठा करो, बी एन दो बार क्यों नजर आ रहा है, प्रोडक्ट इट, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब में से क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर ठीक है, एक्स टेन एक्स हंड्रेड में से क्या कॉमन आएगा, एक्स टेन, एक्स एन और एक्स एन माइनस वन में से क्या कॉमन आएगा, जो कम है वो कॉमन आएगा, एक्स एन माइनस वन कॉमन आ जाएगा, क्यों, इसको आप इसको ब्रेकअप करके लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स एन माइनस वन, तो इसी तरीके से एन 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 माइनस वन पावर इकट्ठी कर दीजिए, इसमें से क्या कॉमन है, तो बचा क्या, इसको आप ये भी लिख सकते हैं ना, एन माइनस वन इंटू रिमेनिंग, इन दोनों में से क्या कॉमन है, एन एक तरफ बाकी एक तरफ, एन एक तरफ बाकी एक तरफ, हमें एन की वैल्यू चाहिए, तो हमें ये देखना है कि ए बाय बी की व्हाट पावर इज वन, ए बाय बी की क्या पावर नहीं कि वन बन जाए, तो किसी भी चीज की पावर जीरो वन होता है ताकि हम इक्वेट कर सकें, तो एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एन इक्वल टू वन, नंबर बोलिए
और मान लो एक दो क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग लगे, ये थोड़ी कर जाके बुक को फाड़ देंगे आप। एक चैप्टर मुश्किल लगेगी, ये बोल रहे हैं प्लस वन नहीं करनी, जितने क्वेश्चन हो जाए जैसे मान लो 5 हो जाए 10 हो जाए। और एक इसका एक शॉर्टकट भी बताएंगे आपको। नंबर बोलिए आप, एट्थ स्टेप क्या है? ये इधर डिवीजन में लिया है तो ए बाई बी पावर एन माइनस वन, डिवीजन में लिया तो वन बच गया। फिर ए बाई बी की क्या पावर नहीं कि ये वन बन जाए, तो किसी भी चीज़ की पावर जीरो जो है वो वन हो। कोई डाउट? सिक्स्थ द्वारा बताते हैं, ए एन और ए एन माइनस वन को करेक्ट करो क्योंकि कॉमन लेना था। तो कॉमन क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में से लेंगे। बी एन और बी एन माइनस वन को इकट्ठा करना चाहते हैं तो इकट्ठा। नंबर पूछिए आप, इसका शॉर्टकट बताते हैं आपको। करते बैठे रवि, इसका शॉर्टकट देखिए आप। शॉर्टकट देखो, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ए चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, बी चाहिए। ए एन प्लस बी एन की जगह ए प्लस बी चाहिए, तो एन क्या होना चाहिए, ए प्लस बी कब नजर आएगा, ये ए कब नजर आएगा जब ए पावर क्या हो वन, ये बी कब नजर आएगा जब बी पावर क्या हो वन। तो वन की दिस तो दैट इंप्लाइज एन इक्वल टू वन, एन को वन रखेंगे ए प्लस बी और नीचे क्या आएगा फिर टू आ जाएगा, ए पावर जीरो वन बी पावर जीरो, जैसे ऑब्जेक्टिव है तो सीधा एन इक्वल टू वन बाय गैसिंग गैस मेथड। समझ गया बेटा, यहाँ पे वन चाहिए इसलिए। एन को क्या पुट करें, हीट एंड ट्रायल मेथड से बता दो। ऊपर ए चाहिए टू, पता लग गया टू क्यों, वन चाहिए तो टू माइनस वन, एन माइनस वन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू टू, ये नीचे जीरो जीरो बनाना है तो एन इक्वल टू टू, ए पावर जीरो बी पावर कर नहीं सकते डायरेक्ट, ये तो अगर ओ एम आर सीट पे हो रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से है तो टेस्ट क्लियर कर सकते, सब्जेक्टिव है वो तो, जैसे ऑब्जेक्टिव में तो ट्रिक बताइए आप, ऐसे प्लस टू वालों को बता रहे हैं आजकल, उनका तो मेनली हो नहीं है ये ट्रिक, उनको तो बुक लगाई गई है फिर अरियंत नहीं, एक अरियंत एक मास्टर माइंड। तो और पूछिए नंबर आप बेटे, और जो और किसी चैप्टर से वो भी पूछ सकते हैं, टाइम तो काफ़ी पड़ा अभी, और ज़्यादा टाइम भी लगा सकते हैं, टाइम तो आप कहेंगे और ज़्यादा भी लगा सकते हैं। कल टाइम बता दीजिए आप लोग, अभी अभी तो कुछ पूछना, और अभी कुछ पूछना है क्या, कल का टाइम तो आप